ज्यादा खबरों के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। दिल्ली पुलिस ने भाजपा के प्रवक्ता नवीन कुमार की शिकायत पर शुक्रवार को वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ कथित तौर पर सार्वजनिक गड़बड़ी पैदा करने वाले बयान देने के लिए प्राथमिकी दर्ज की है। अपराध शाखा को दी गई शिकायत में कुमार ने दुआ पर आरोप लगाया है कि वह यूट्यूब पर द विनोद दुआ शो के माध्यम से फर्जी सूचनाएं फैला रहे हैं। दुआ ने कहा है कि पुलिस ने अभी तक मुझे संपर्क नहीं किया है, इस समय मैं इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। कुमार ने दुआ पर दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान गलत रिपोर्टिंग करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि दुआ ने कहा था कि केंद्र सरकार ने हिंसा को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। कुमार ने यह भी आरोप लगाया है कि दुआ ने प्रधानमंत्री को कागजी शेर बताया था। पुलिस ने कहा है कि धारा 290, 505 और 505(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अब सवाल यह उठता है कि देश में अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसके ऊपर ऐसी ही FIR कहां कहां दर्ज होंगी? क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी और हमारे देश में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहने की अप्रथा को बदल देना चाहिए? क्या विनोद दुआ ने कुछ गलत कहा? ऐसा क्या कहा प्रधानमंत्री को कि उनको बुरा लग गया और उन्होंने FIR दर्ज करा दी? इन सारे सवालों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। आशा करते हैं आप इन सारे सवालों के जवाब हमें कमेंट में लिख के देंगे। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़।